हाँ जी का इसके हाल चाल है तो यार देखो जब से सैरस मिस्त्री टाटा के ऑफिशियल उनकी जैसी डेथ हुई है अपनी मर्सिडीज जीएल में जा रहे थे वो और बहुत ही ऐसे कम कहते कहते ना यार मर्सिडीज़ uh, है तो सेफ्टी के मामले में तो बहुत ऊपर है लेकिन फिर भी आउट ऑफ फोर दो लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उनकी डेथ हो गई और uh, अब मर्सिडीज ने अपना स्टेटमेंट दिया है लेकिन फिर भी मैंने खुद ने सोचा था कि अब से यार सीट बेल्ट जो फॉरवर्ड ही तो देखो हम लोग पहनते हैं आगे वाली सीट बेल्ट क्योंकि यार वो मैसेज अलार्म करता ही रहेगा बट अब से जो रियर की सीट बेल्ट है वो भी पहननी है है ना मैं तो अपने फैमिली में बोलने वाला हूँ कि सीट बेल्ट पहनो इवन जो सेंटर में होंगे उनके लिए भी ये क्रॉस वाली सीट बेल्ट तो नहीं होगी लेकिन एटलीस्ट ये वाली सीट बेल्ट तो जरूर पहनेंगे वो सो देट यू नो मिनिमम अफेक्ट रहे इन केस ऑफ ऐसे कुछ भी अगर होता है एक्सीडेंट या कुछ क्योंकि या देखो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है है ना एक्सीडेंट ये सब आपके हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप आराम से चलाइए ड्राइव कीजिए बट कभी भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट अब से पहनना ही है तो आप भी यार ध्यान दीजिए और सीट बेल्ट पहनने के लिए अपने फैमिली को रिक्वेस्ट कीजिए फोर्स कीजिए जो करना कीजिए लेकिन बिना सीट बेल्ट पहने उन्हें पीछे की सीट पर मत बिठाइए आगे के भी लोग बिठा देते हैं बट लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है और पता नहीं यार कुछ दिनों में शायद ये रूल आ ही जाएगा कि सीट बेल्ट जो पीछे बैठ रहे हैं रियर सीट बेल्ट कंपलसरी हो जाएगी जैसे कि अब पिलेन के लिए भी हो चुका है कि हेलमेट्स पहनना है तो वैसे हो जाएगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इसके ऊपर और सुरक्षित ड्राइव कीजिए मैं यही कहता हूँ यार सत्तर अस्सी के ऊपर मत जाओ कोई जरूरत नहीं है कहीं जल्दी नहीं पहुंचना है आराम से जाइए सेफली जाइए अखबार पढ़ा हुआ क्योंकि अखबार पढ़ते हम